मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत अलग है। आज का ब्लॉग नहीं है, आज वीडियो है। और आज की वीडियो में स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी स्टोरी बताने वाला हूँ आपको अपने बारे में। और यार बहुत कुछ है वैसे, स्टोरी तो मेरे पास बहुत सारी हैं जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, है ना काजल? तो ये हमारी सिस्टर है छोटी सी। दो मिनट नहीं, देखो, अरे यार मैं अच्छी लग रही हूं। सुनो, हाँ देखो, अभी मेरी वीडियो बन रही है तो ये आ चुकी है। अब बोल रही है मैं तैयार हो जाने दो। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, अब तो आ चुकी है वीडियो। तो ये मेरे चाचा जी की लड़की है। तो ये मेरी जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ ना, सिर्फ उसमें आती है और वैसे घूमती रहती है, तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। चलो तो फिर एक रेफर में पागल है ना, फिर तू मेरे को पता ही है, तेरे को पता ही है मैं क्या बोलता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ ना। तो चलो यार अभी कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, मतलब हद से ज्यादा। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूँ क्योंकि यार आज बहुत कुछ हो चुका है दिन में, तो इस चक्कर में चलो नीचे चलते हैं, ऑफिस में चलते हैं, वहां पे बैठ के आराम से बात करते हैं, थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं आपको और मिलते हैं थोड़ी देर में, चलो नीचे। तो यार गला साफ कर ले थोड़ा सा, क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी है, तो इस चक्कर में बताने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो चलो आज की स्टोरी बताते हैं। बताए, मैंने अपनी लाइफ में जो सोचा है, जैसा सोचा है, बिल्कुल यार जो सोचता था ना मैं, जो भी, वैसा बिल्कुल कभी हुआ ही नहीं। आप क्या सोच रहे थे? आप ये सोच रहे हो कि हाँ हुआ होगा जो इसने सोचा है, सब कुछ हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने बहुत कुछ सोचा, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, तो पता है बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। तो मैंने सोचा कि मैं 12th पास आउट कर लूँगा बहुत अच्छे परसेंटेज से। तो यार मेरी परसेंट इतनी खास कुछ बनी नहीं। फिर मैंने सोचा कोई अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लूँगा, तो ले लिया था कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया था मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई जैसा सोचते हैं तो वैसा तो होता नहीं है कभी, है ना? पर अगर आप लोगों के साथ होता हो ना तो वो बताना। तो अच्छा कोई ज़्यादा खास कॉलेज नहीं था, पर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, अब बाहर चलते हैं, कोई बाहर सिटी में चलते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे और अपने ऐसे लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कहीं ऐसे, अब अपनी लाइफ अपने हाथ। तो यहाँ तक आते आते मेरी एज हो गई है 20, तो 20+। तो यार बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स थे जो बिल्कुल पूरे ख़त्म के ख़त्म हो गए। बहुत कुछ सोचा था कि बहुत कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ यार। तो अब ऐसा है कि मैंने अपने माइंड को अलग ही सेट करके रखा है। अब ऐसा है कि जो मैंने सोचा है वो मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा है, तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि यार मैं अभी छोटा यूट्यूब चैनल है मेरा, तो भाई मेहनत लग रही है थोड़ी सी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, जो मेरे ड्रीम्स हैं तो मैं उनको पूरा कर पाऊंगा। तो यार ऐसा ही है। तो चलो मैं बताता हूँ, तो मेरा जन्म 99 को मेरा जन्म हुआ। तो फिर उसके बाद धीमे धीमे ऐसे पढ़ाई की और 10th पास की, 12th पास की, कॉलेज आ गया। कॉलेज में भी अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो कंप्लीट हो जाएगा वो भी। तो भाई मेरी बहुत सारे ड्रीम्स थे जो टूट गए हैं, पर कुछ ऐसी ऐसी स्टोरी हैं जो यार बहुत सारी स्टोरी है अगर मैं बताने बैठूँ ना आपको, तो भाई पूरा एक ये 5 मिनट की वीडियो के चक्कर में अगर मैंने स्टोरी बताई ना मेरी, तो पूरे 50 मिनट क्या 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी स्टोरी हैं। तो भाई हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं कोई यूट्यूब चैनल में ये सब ऐसे बस देखता था, वीडियो देखता था, पर ऐसा कभी कुछ किया नहीं। तो अब मैं जाके तो मैं पता चला कि भाई यूट्यूब से क्या क्या हो सकता है, कोई अपना करियर भी बना सकता है। मैं करियर और कुछ में भी बना लेता, मैं कोई बिजनेस कर लेता या कोई जॉब, और बिजनेस भी मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं जो मैं कर सकता हूँ। पर भाई यार एक फेस वैल्यू रहती है ना, तो आपको पता ही है कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, इसकी फेस वैल्यू कितनी ज़्यादा रहती है। तो ऐसा ही मैंने कुछ सोचा है कि भाई मेरी फेस वैल्यू मैंने, तो भाई ऐसा कि मेरे को कहीं बाहर घूमने जाना है, बहुत सारे ड्रीम्स थे। तो मैं बहुत सी जगह ऐसे घूमने भी गया, अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ और मेरे दोस्तों के साथ। तो मेरी अभी तक की सबसे लॉन्ग ट्रिप मेरी वैष्णो देवी की हुई है। तो मैंने वैष्णो देवी
सबसे लॉन्ग ट्रिप की है। शिरडी घुमाया मैं, मथुरा और हरिद्वार, और पता नहीं यार ऐसी कौन सी, और मेरे सबसे फेवरेट उज्जैन के महाकाल। तो भाई पता नहीं कितनी बार मैं वहाँ पे घूम के आ चुका। तो ये सिर्फ ऐसे जो धार्मिक प्लेस रहती हैं, सिर्फ ऐसी जगह पे गया मैं, पर अब मेरे को भाई, मेरे को पता है अब ऐसी जगह पे जाना है जो टूरिस्ट प्लेस रहती है ना, मेरे को वहाँ पे घूमना है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं, मेरे को लेह लद्दाख जाना है, केदारनाथ जाना है, और यार भाई पता नहीं यार इतने सारे ड्रीम हैं, कश्मीर जाना है, और यार मैं क्या क्या बताऊँ। तो ऐसे भाई मेरे को ऐसे घूमने का बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि कहाँ कैसे क्या है। तो भाई मेरे को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत सी जगह जाता आता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार ऐसे आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं सिर्फ जो फैमिली ब्लॉग कंटेंट रहा है मेरा जो, तो मैं वो ही रखने वाला, मैं ट्रैवल ब्लॉग भी ट्रैवल ब्लॉग भी बनाऊँगा मैं बहुत सारे। तो यार भाई आप लोग मेरे ड्रीम को पूरा करो, मेरे आज जो मेरे को एक यूट्यूबर बनना है वो आप मेरा ड्रीम है, तो आप उसे पूरा करो। तो प्लीज़ यार आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार स्टोरी तो ऐसे मैं अभी नहीं बता पा रहा, मेरे अभी यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, मैं सोच रहा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बन जाए, मेरा बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो जाए, फिर उसके बाद आराम से एक एक सीरीज लगा लेंगे यूट्यूब जो मेरी लाइफ की जो अभी तक हुआ है, तो और जो मेरा होगा तो उसकी एक सीरीज लगा लेंगे बहुत प्यारी सी। तो प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और चलो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो अभी स्टोरी में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस मैंने अपना 10th 12th और मैं कॉलेज में हूँ अभी, और मैं कहाँ कहाँ घूमा और मेरे को क्या करना है, बस यही सब बताया मैंने आपको। तो और भी मेरी ऐसी स्टोरी देखना है, मेरा लाइफ स्टाइल देखना है, मेरा यार क्या बताऊँ, मेरे ब्लॉग देखना है, तो प्लीज़ यार आप मेरे ब्लॉग को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो यार इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक और वीडियो में। बाय बाय।